गुड मॉर्निंग जनाब, मुंबई का ये वो हिस्सा है जो अब तक सही से सोशलाइज नहीं हुआ। आज देखेंगे उन गलियों में चल के लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। मेरे भाई को देखिए, तो ऐसे ही कुछ खूबसूरत नज़ारे, बहुत खूबसूरत चीज़ें हमें देखने मिलेगी, जैसे फ्लैग होस्ट। Aslam ji, this is your RJ Shan and you guys back on our YouTube channel Shan Explorers. Without any further ado, हम बताते हैं हमारी locality के बारे में जो हम काफी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। So basically this video would all about Independence Day, how exactly. our locality people celebrates it with full of zest, बहुत खुशी के साथ, उल्लास के साथ। शाहरुख भाई का बहुत दिल था, चलें थोड़ी लोकेलिटी के बारे में बताएं। कहाँ सब मरीन लाइंस वगैरह जाते ही रहता है। हाँ यार, obviously हर जगह रंगे कपड़े पहनते, तीन रंगे। मैं बोलने से अच्छा कि अपन चलाते हैं पीछे, जुक 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 जुक, मैं एडिट करके डाल देता हूँ। ठीक है, अच्छा। तो भाई साहब, हमने अब्बा की एक्टिवा तो ले ली है, निकल पड़े गोंडी एक्सप्लोर करने उन गलियों में जहाँ लोग बहुत खुशी के साथ एंजॉय करते हैं इंडिपेंडेंस डे। ओए, जल्दी आ बस। एक्चुअल में हमें सबसे पहले यहाँ आना था, यहाँ बाबा साहेब अंबेडकर जी की मूर्ति है, यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होती है, बट वी मिस्ड, सो लेट्स गो अहेड, आगे देखते हैं कहीं। फेलिसिटेशन ऑफ गोंडी टॉपर्स 2, जहाँ पर इनका मोटिव जो है वो है एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, यानी आपने एजुकेशन की मदद से कितना अपने आप को एम्पावर किया है, उसके हरजाने की मतलब हरजाने के तौर पे आपको आज के दिन पर ये कुछ लोग यहाँ पर आएंगे, जैसे चीफ गेस्ट यहाँ पर हैं एमएलए साहब अबू आसिम आजमी एंड यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय दीना पाटिल साहब। तो ये लोग चीफ गेस्ट हैं यहाँ के, और इस दिन आज के दिन यानी 15 अगस्त के दिन ये इवेंट के तहत जिन लोगों ने टॉप किए हैं अपनी एसएससी और एचएससी में, जो टॉपर्स रहे हैं अपनी एजुकेशन से, खूब खूब नाम कमाया, उन लोगों को गिफ्ट दिया जाता है। So basically a gift distribution. तो भाई देखिए, आसपास हर जगह खुशी का माहौल है, और फ्लैग होस्टिंग एटलीस्ट एक जगह की देखनी थी हमें, हम लेट लतीफ लोगों को एक जगह की इंशाल्लाह मिली जानी है। तो यहाँ देखिए चालू अभी, और इसी उल्लास के साथ और फुल पेट्रियाटिज्म के साथ कई जगहों पर फ्लैग होस्टिंग हुई हमारे एरिया में, और हमने ऑलमोस्ट 4 से 5 जगह की अटेंड की, जैसे यहाँ की। तो देखिए यार, नाश्ता बट रहा है ना यहाँ, यहाँ ये अंकल सोल एंजॉय कर रहे हैं। डोंट डिस्टर्ब, अता तुम सिवारी भारत माता की जय। चलो ये है फूल, माना कि कई अलग अलग बागों से है ये फूल, पर ये सारे बाग मिलकर गुलस्तान बनता है, और ये गुलस्तान कुछ और नहीं हिंदुस्तान है। ये हमारे देश के फूल, ये हमारे देश की खूबसूरती। Yeah.
देश में राइट टू एजुकेशन था बट वो वुमेन्स के लिए नहीं था, तो सबसे पहला इनिशिएटिव किसी ने अगर लिया था वुमेन्स को एजुकेशन देने का तो वो था सावित्री बाई फुले, जिनके हस्बैंड ज्योतिबा फुले ने पूरा सपोर्ट किया उन्हें, और उनके साथ थी फातिमा शेख जो कि फॉर्मल टीचर रही हैं प्रोफेशन से। इन लोगों ने मिलकर इंडिया में इतिहास रचा और हर जगह पे वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एजुकेशन को स्प्रेड किया, और उसके बाद से लेके आज तक तीसरी गवायन दीवारों पे कई ऐसी दिग्गज वुमेन्स के तस्वीरें छपी है, जैसे कि कल्पना चावला, हमारे पास हमारी लता मंगेशकर सिर की मालिक, तो ऐसे कई सारे लोग फिर जुड़े राइट टू एजुकेशन के बाद जिनके बहुत चर्चे हुए, बिकॉज एजुकेशन इज़ फॉर एवरीवन। ये तराने की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, यू नो व्हाट, ये तराना लिखा गया था ब्रिटिश राज में इन द ईयर ऑफ 1994, राइट? अबे साले 904, आई एम सॉरी, 1904 में लिखा गया था, जब उस वक्त पाकिस्तान बांग्लादेश था नहीं, उस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान था, हम अखंड थे, लेकिन माशाल्लाह हैट्स ऑफ आप अलामा साहब को कि उस जमाने में ब्रिटिशों के खिलाफ इतना स्पिरिचुअल, इतना खूबसूरत तराना लिखा गया। तो जनाब ऐसे तराने ऐसे नहीं लिखे जाते, जब दिल में जज्बात हो अपने देश को लेके बंदा बहुत पैट्रियोटिक होना चाहिए, लाइक हमारे अलामा साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत, क्योंकि जज्बातों से मिलके ना अल्फाज बनते जिसे हम तराना कहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यहाँ हमारी लोकेलिटी गोवंडी का इंडिपेंडेंस डे करते हैं और बढ़ते हैं ऑफिस के जाने। ये खूबसूरत नज़ारा कहीं और का नहीं, वाशी ब्रिज का है। खूबसूरत है या नहीं, आओ कभी मुंबई। ये हमारा ऑफिस, काका हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस। Thank you. And on this auspicious day of independence, हमारे ऑफिस ने एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा था, जहाँ कुछ हेल्दी लोग सारे वायरस है जिन्होंने ब्लड डोनेट किया। मैं अल्लाह ग्रहण दम जन्ना Now I completed my blood donation. Apple, coffee, but donation. तो भाई क्लोजिंग का टाइम आ गया भाई, नज़ारे में घूमे माशाल्लाह, यहाँ का जो व्यू है काफ़ी बेहतर। हम लोग सोचे क्या थोड़ा अच्छे तो और शूट करें, बट यहाँ का गोवंडी का हम पर्टिकुलर ब्लॉग बनाएंगे, जो हमारी लोकेलिटी जहाँ रहते हैं, एग्जैक्टली डीप बातें करेंगे गोवंडी के बारे में। पर करते हैं अभी क्लोजिंग, चले यार उनकी याद में इस इंडिपेंडेंस डे को पूरी तरीके से हमने सेलिब्रेट किया और ट्राई किया थोड़ा सा हमारी लोकेलिटी पर गेम्स डालने का कि कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को। सो अभी जो इंटरेस्टिंग लगा हो, इन्फॉर्मेटिव तो शायद नहीं बट एंटरटेनिंग जरूर लगा हो, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और कुछ नहीं तो प्लीज कमेंट डाउन योर सजेशंस व्हाट वी कैन डू जिससे आपको ये वीडियो पसंद आ सके, क्योंकि लाइफ इज फॉर लर्निंग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, यौम-ए-आज़ादी भाई।